नमस्कार दोस्तों, मंजूलता चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होगा। जिन बुजुर्गों का दांत नहीं है वो भी इसे बड़े आराम से खा पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं लड्डू जो है कितना चमकदार बना है और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बन करके ये रेडी होता है। तो हम यहाँ तीन चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें ये सफ़ेद तिल है, यहाँ हम हाफ के जी मतलब 500 ग्राम तिल लिए हुए हैं, ये सफ़ेद तिल है। तो यहाँ पैकेट वाला कोशिश करें आप तिल लेने का, वो काफ़ी साफ़ होता है पैकेट वाला तिल। और जितना तिल है उतना ही हमें यहाँ गुड़ लेना है। तो हाफ के जी तिल में हम हाफ के जी गुड़ लेंगे, एक चम्मच के लगभग घी लेंगे, ये देसी घी है। ओके, तो बस यही तीन चीज़ें चाहिए हमें तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो एक मोटे तले का कढ़ाई लेंगे और उसमें तिल को डालेंगे। तिल को हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पे। ओके, तो मकर संक्रांति पे आप सभी के घरों में क्या क्या बनता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें इस तरह से चलाते रहना है। तो हम कैसे जाने कि तिल भुना चुका है? तो इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है भुना जाने के बाद, या फिर आप इसे चेक भी कर सकते हैं, हाथों में थोड़ा सा ले करके इसे टेस्ट करें तो खुद पता चल जाता है कि ये चेक हो चुका है मतलब भुना चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम एक चम्मच के लगभग घी डालेंगे। तो घी डालने से लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनता है, कड़ा नहीं होता है और चमकदार बनता है, चमक आ जाता है लड्डू में। अब हम यहाँ गुड़ को डाल रहे हैं, यहाँ गुड़ को क्रश करके भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ हम पानी डालेंगे। पानी डालने से गुड़ का जलने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे गुड़ गर्म होता जाएगा ये पिघलता जाएगा, तो बहुत जल्दी ये चाशनी बन करके रेडी होता है। तो देख सकते हैं आप, चाशनी जो है वो कढ़ाई छोड़ चुका है। तो हम ये हमेशा बनाते हैं लड्डू, तो हमें पता है कि ये चाशनी जो है वो बन चुका है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए हम प्लेट टेस्ट करके दिखाएंगे। तो प्लेट में इस तरह से हम थोड़ा सा पानी लेंगे और चाशनी को डालेंगे, और हाथों की सहायता से इस तरह से जब आ जाए हाथों में तो आप समझ जाएँ कि ये चाशनी बन करके रेडी हो चुका है। अब इससे ज़्यादा कड़ा हम चाशनी को नहीं करेंगे, वरना लड्डू जो है वो काफ़ी कड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है चाशनी को चेक करने का। तो चाशनी बहुत ही अच्छे से हमारा बन करके तैयार हुआ है। ओके, तो एक बार और हम इसे चला देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। भुने हुए तिल को इसमें डालेंगे और अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, यहाँ बहुत ठंड है जिस वजह से ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये काफ़ी अभी गर्म है, लेकिन इसे हम हाथों में अभी इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, तो हाथों में इसे हम ले पा रहे हैं। तो हाथों में इस तरह से हम पानी लगाएंगे, और जितने बड़े साइज का लड्डू बनाना है उस हिसाब से यहाँ हम ले करके शेप बनाएंगे। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से फटाफट हम सभी लड्डुओं को हम बना लेंगे।
और हाँ, अगर आपका ये जो है ठंडा हो गया है, नहीं लड्डू बन पा रहा है, तो गैस को लो करके आप कढ़ाई के इसके ऊपर रख दें, तो वो गर्म हो करके काफ़ी अच्छे से फिर लड्डू बनना शुरू हो जाएगा। तो आप बनाइए, खाइए, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।